कई बार घर में बहुत सारी दाल बच जाती है, लेकिन फेंकने का तो मन ही नहीं करता। तो क्यों ना बची हुई दाल का ही कुछ बना लिया जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बची हुई दाल का चिल्ला। आइए इसे बनाते हैं। बची हुई दाल का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ वेजेस ली हैं, जैसे कि गाजर, प्याज, टमाटर, बीटरूट, शिमला मिर्च और हरी मिर्ची। गाजर और बीटरूट को मैंने कद्दूकस कर लिया है और बाकी सब्जियों को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। दूसरी तरफ मैं एक बाउल में एक कटोरी बेसन और एक कटोरी सूजी लूंगी और उसमें मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। और ऊपर से मैंने डाल दिया है फाइन चॉप धनिया। इसमें मैं एक चौथाई चम्मच हींग और एक चौथाई चम्मच ही अजवाइन लूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। अब मेरे पास मूंग दाल बची हुई है, जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है और उसका फाइन पेस्ट बना के इसमें ऐड कर लिया है। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा दही का पानी ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास दही का पानी नहीं है तो आप सिंपल पानी भी इसमें डाल सकते हो। दही का पानी बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी को भी फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैंने एक कढ़ाई को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा करके ऐसे बैटर डालती जाऊंगी और इसको फैलाती जाऊंगी। तो जब तक हमारा चिल्ला एक साइड से पकता है, तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम चिल्ले को ढक के पकाएंगे। जैसे ही हमारा चिल्ला एक साइड से पक गया, तो ऊपर से हमने इस पे मक्खन डाल दिया है और इसकी साइड चेंज कर दी है। और इसको 2 मिनट तक हम फिर से ढक के पका लेंगे। गाइस, ये सारा प्रोसीजर हम स्लो गैस पे ही करेंगे ताकि वो अंदर तक पक जाए। जिन लोगों को चिल्ला पलटने में दिक्कत आती है, वो इस तरह से प्लेट रख के भी इसको पलट सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमारा चिल्ला बनके तैयार है। और अब हम इसको एक पिज्जा कटर की हेल्प के साथ पीसेस में काट देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा चीज स्प्रेड कर देंगे ताकि बच्चों के लिए ये एक अट्रैक्टिव डिश हो जाए और बच्चे मजे से खाएं। इसको हम सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ। तो गाइस, दाल और वेजेस से भरपूर ये चिल्ला बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लेट्स टेस्ट।